नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब घर में मेहमान आते हैं तो वो मेहमानों के रूम या आपके ड्राइंग रूम, वहाँ पर रखा हुआ सामान, ये सभी चीज़ें किस प्रकार से होनी चाहिए। क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो उनके साथ में कुछ ना कुछ एनर्जी ज़रूर आती है। घर में मुख्य द्वार से हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी आती है। आप जब घर में मेहमान आएंगे, उनके सामने आप कैसे, किस दिशा में मुख करके बैठते हो, या फिर फर्नीचर कैसा है, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। बैठक रूम यानी के ड्राइंग रूम जो है, ये मेहमानों जब सबसे पहले घर में आते हैं मेहमान, तो सबसे पहले इस रूम में आते हैं। उसके बाद में जो है अतिथि कक्ष है, अगर वो रहने के लिए आए हैं तो वो अतिथि कक्ष में रहेंगे, यानी कि जो गेस्ट रूम है वहां पर वो रह सकते हैं। जो बैठक रूम है उसका और एक बहुत महत्वपूर्ण इस्तेमाल ये है दोस्तों कि घर के सभी मेंबर जहां पर मिलते हैं वो होता है ड्राइंग रूम। हर एक का अलग अलग बेडरूम होता है, लेकिन खाना खाने के बाद, बाहर से आने के बाद, या सवेरे चाय पे कभी भी जहां पर सब लोग मिलते हैं वो होता है ड्राइंग रूम। जब भी खाली समय है तो वहां पर घर के लोग मिलजुल कर बैठते हैं, तो वो जो बैठने की जगह है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर वो गलत हो गई तो वहां पर चिड़चिड़ापन या फिर एक दूसरे में अनबनी होना, ये चीजें हो सकती है। तो ये कैसे करना है, इससे, इन परेशानियों से हम कैसे बच सकते हैं, ये सभी चीजें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। जो बैठक रूम की दिशा है यानी कि ड्राइंग रूम की, वो मकान का जो भी दिशा से एंट्रेंस है उसके ऊपर तय होता है। अगर हम देखते हैं कि नॉर्थ यानी के उत्तर, नॉर्थ फेसिंग अगर आपका एंट्रेंस है, तो इस कंडीशन में आपका पूर्वोत्तर दिशा यानी के आप इस दिशा में ड्राइंग रूम बना सकते हैं। ये जो है यहाँ पर आप ड्राइंग रूम बना सकते हैं, अगर आपका नॉर्थ से एंट्रेंस है तो, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से एंट्रेंस है तो इस दिशा में ड्राइंग रूम बन सकता है। यदि आपका मकान जो है पश्चिम मुखी है तो आपका उत्तर पश्चिम यानी कि वायव्य कोण में ड्राइंग रूम बन सकता है। आपका पश्चिम या इधर से एंट्रेंस है तो आपका यहाँ पे ड्राइंग रूम बन सकता है यानी कि वायव्य कोण में। अगर आपका दक्षिण मुखी मकान है तो दक्षिण पूर्व यानी के इधर साउथ ईस्ट में, क्योंकि जैसे मैंने वास्तुपद के एंट्रेंस से बताया है, तो इस दिशा में आपका एंट्रेंस बन सकता है, जो कि अग्नेय कोण हम जिसको कहते हैं, वहां पर एंट्रेंस आप बना सकते हैं। मेहमानों को ठहराने के लिए वायव्य कोण में आप अतिथि कक्ष बना सकते हैं। अगर गेस्ट बेड आपको बनाना है तो गेस्ट बेड जो है वो नॉर्थ वेस्ट में ही बनाना चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं बैठक रूम जो है वो किस दिशा में है, तो उसमें क्या आपको परिणाम मिलेंगे। बैठक रूम का जो दरवाजा है, ईशान या उत्तर में है तो उत्तम है, पूर्व पश्चिम या वायव्य में है तो उसको मध्यम माना जाता है। यानी के आपका जो बैठक रूम है, इस रूम में आने का एंट्रेंस जो है वो किस दिशा से है, इसके ऊपर चीजें डिपेंड होती है कि इस रूम का इम्पैक्ट, इसमें एनर्जी आएगी किधर से, तो ये भी आपको देखना पड़ता है। खिड़कियां जो है, वेंटिलेशन सबसे महत्वपूर्ण, इस रूम में वेंटिलेशन कैसा है, कौन सी दीवार पे है। अगर यहाँ पे है साउथ में तो साउथ से ही सिर्फ वेंटिलेशन है, या ईस्ट से भी है, तो ये सभी चीजें इसमें देखनी पड़ती है कि सबसे पहले कौन सी दिशा में आपका रूम है, बाद में है कि गेस्ट रूम आप कहाँ पे बना सकते हो, और उसका डोर कहाँ से है इस रूम का। यहाँ पर अभी हम बात करेंगे जो टेलीविजन या जो कुछ चीजें हम इस रूम में रखते हैं उसके बारे में। टेलीविजन नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होने की वजह से इस रूम के, जो रूम का साउथ ईस्ट है यानी कि ये कॉर्नर, यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, टेलीविजन घर के मेंबर्स हमेशा देखते हैं, तो ये या तो ईस्ट या नॉर्थ में आप रखोगे तो उनका फेसिंग उधर होगा। अगर अच्छी दिशा में, पॉजिटिव एनर्जी में फेसिंग करके हम बैठते हैं तो आपको अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप यहाँ पर भी रख सकते हो, या जिस भी रूम में आपका ड्राइंग रूम है वहां पर आप ऐसी अरेंजमेंट कर सकते हो टीवी के लिए। इसके बाद में है सोफा सेट। सोफा सेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपको रखना है जहां पे भी आप खुद बैठोगे,
तो आपका फेसिंग या तो ईस्ट में होना चाहिए या फिर नॉर्थ में होना चाहिए। ये किधर भी आपका रूम हो, यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका फेसिंग या तो ईस्ट या नॉर्थ में होना है, जहाँ पर भी आपका ड्राइंग रूम है। तो इसी प्रकार से आपको सोफा सेट रखना है, और जो मेहमानों के लिए बैठने की जगह है वो आप अगर इसी प्रकार से कर सकते हो फेसिंग तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उनके लिए वेस्ट या साउथ भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा देर नहीं रहते हैं, हम यहाँ पे परमानेंट रहते हैं, तो अपना सिटिंग पोजीशन प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया सोफ़ा सेट, और हमेशा सोफ़ा सेट जो होते हैं वो थोड़ा वेट के भी होते हैं, तो उनको वेस्ट या साउथ के वॉल को ही लगा कर रखना है। बाद में बहुत बार लोग मछली घर रखते हैं, एक्वेरियम मोस्टली घर का जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है यहाँ पर रखना है, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है अगर यहाँ पर मछली घर रखते हैं तो। बाकी के जो ड्राइंग रूम्स है इसमें नॉर्थ वेस्ट में आप यहाँ पर रख सकते हो, लेकिन इस रूम में आप एक्वेरियम रखना थोड़ा अवॉइड कीजिए, यहाँ पर रखना जरूरी भी नहीं है, यहाँ पर आप रखिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम का रंग रंगोन यानी के कलरिंग वगैरह जो है, कलरिंग आपके घर में आपका जो सोफा सेट है या फिर जो भी कलर्स है, सबसे पहले दिशानुसार अगर आपको कलर करना है, मैंने दिशा के लिए बताया है कि जो ईस्ट है पिस्ता कलर दीजिए, साउथ है साउथ ईस्ट रेड, साउथ साउथ वेस्ट और यहाँ तक आपको येलो कलर, आगे व्हाइट कलर और स्काई ब्लू कलर आप दे सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा है कि जो अंदर की दीवारें हैं आप उसको प्रॉपर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, हल्का नीला कलर अगर आपका यहाँ पर ड्राइंग रूम है तो आप स्काई ब्लू कलर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा उसमें मिक्स येलो कलर भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, लेकिन एकदम भड़कीले रंग आप ज्यादा मत यूज कीजिए। जो टाइल्स है, टाइल्स के कलर भी आपको हल्के कलर ही यूज करना है कि जो देख के आदमी को प्रसन्न लगे, उसकी तकलीफ ना हो, इस प्रकार के कलर ही आपको टाइल्स में यूज करना है। बहुत बार लोग पूछते हैं कि जो सोफा सेट है उसके कवर के कलर या फिर कर्टन का कलर, आप दिशा अनुसार वो कलर ले सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि अभी साउथ वेस्ट येलो कलर यहाँ पे चाहिए, तो एग्जैक्ट येलो कलर के कर्टन हम यूज करना उतना पॉसिबल नहीं होता है, उसमें से लाइट आता है, तो आप क्या कीजिए डार्क कलर का कर्टन लीजिए, उसके ऊपर कुछ डिजाइन वगैरह अगर उस कलर में आती है तो वो भी, या फिर बॉर्डर्स उस कर्टन को, तो वो भी आपको फायदेमंद रहेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कर्टन वगैरह इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, और एंट्रेंस का जो डोर का कर्टन है अगर वहां पे कर्टन है तो उसको आप घुंघरू लगा सकते हो, वो बहुत अच्छा माना जाता है। जो फर्नीचर है इस रूम में, फर्नीचर यानी कि कबर्ड या फिर शोकेस जो भी चीजें है, वो आपको नॉर्थ या ईस्ट की दीवार पर नहीं लगाना है, ये दोनों दीवारें हल्की होनी चाहिए। अगर नॉर्थ वेस्ट में है तो इस केस में आपको नॉर्थ की दीवार पर नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको ईस्ट के दीवार पर नहीं लगाना है। तो इस प्रकार से आप जो फर्नीचर लगाने वाले हो अगर वो हेवी है तो वो उस रूम के साउथ दीवार पे आपको लगाना है, यानी कि वो नॉर्थ फेसिंग रहेगा। अगर वो कपाट है, कबर्ड है, बुक रखने वाले हो तो उसको नॉर्थ फेसिंग रखिए। जितने भी कबर्ड आपके घर में है उसको नॉर्मली आप नॉर्थ फेसिंग रखिए, साउथ फेसिंग रखना अवॉइड कीजिए। लोग फर्नीचर बना लेते हैं और वास्तु विजिट के बाद में जब हम देखते हैं तो वो चेंज करना बहुत मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है, फिक्स फर्नीचर रहता है, साउथ फेसिंग रहता है मेन कबर्ड, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर ऐसा है तो थोड़ा खर्चा करके आप उसको चेंज कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर जो भी पिक्चर्स आप लगाएंगे, ड्राइंग रूम मतलब हम उसको थोड़ा डेकोरेट करते हैं, वहां पर पिक्चर्स लगाते हैं या कुछ भी डेकोरेशन अट्रैक्शन की चीजें, तो यहाँ पर आप जो भी पिक्चर्स वगैरह लगाओगे तो वो आपको इस प्रकार से लगाना है कि मतलब फूल है, या फिर नॉर्थ के वॉल पर आप फाउंटेन या झरने का फोटो लगा सकते हैं, तो लाइट वाले ऐसे फोटो लगाना है, ना कि युद्ध के या हिंस पशुओं के, ऐसे फोटो आपको यहाँ पर नहीं लगाना है। और घर का जो मुख्य पुरुष है वो इस बैठक व्यवस्था में उसका स्थान कहाँ पर होना चाहिए, पहली बात यह है कि मेहमान कक्ष में बैठने की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि
जैसा मैंने बताया कि मेन जो है उनका मुख ऐसा होना चाहिए नॉर्थ और ईस्ट। आप घर वालों के साथ में जब भी बैठे तो भी आपका मुख ऐसे ही होना चाहिए, और उसमें मोस्टली अगर आप इस रूम में साउथ में बैठ सकते हो या फिर इस दीवार पे इस कॉर्नर में तो भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। अन्य बातें ये है कि आप यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें कर सकते हो जैसे कि एयर कंडीशन लगाना, या फिर जिससे घर में जब भी मेहमान आए तो उनको प्रसन्न लगे, उनको घर में आने के बाद में खुशबू आए, इसलिए आप एयर फ्रेशनर वहां पर लगा सकते हैं। अगर इसमें और एक केस ऐसा होता है कि बीम्स आते हैं बहुत बार बीच में, बीम मतलब जो पिलर होते हैं छत में वो वाले, तो वो अगर बीच में किधर आ रहे हैं तो उसको प्रॉपर रेमेडी करना है, उसके नीचे घर के लोगों को नहीं बैठना है, ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ड्राइंग रूम के बारे में ये कुछ चीज़ें हैं कि आप उसको कैसा मेंटेन कर सकते हैं वास्तु के अनुसार। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।